हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं पांडे जी ब्लॉग्स और ये है डे वन गैंगटॉक का। जी हाँ, गैंगटॉक एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती, अपनी पहाड़ियों और अपनी मॉनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। और फिलहाल ये हमारा डे वन है और कल रात को मैं 11:30 बजे यहाँ पहुँचा था। उसके बाद मैं तुरंत पार्टी में चला गया था, फिर मैं वापसी में आके सो गया खाना खा के। और अभी ये डे वन है और मैं जा रहा हूँ सबसे पहले स्कूटी या फिर बाइक लेने के लिए। और उसके बाद कुछ जगहें हैं जो मैंने रिसर्च करके पहले से रखा है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, और जगहें बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। साथ में एक्सप्लोर करेंगे और अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। और फॉग बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको पहाड़ियाँ अच्छे से दिख नहीं रही हैं, बट हम आगे जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो में साथ में बने रहेंगे। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी चाहिए, मैं भूल गया था कि जब आप होटल बुक कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन होटल बुक कर रहे हैं, मैंने MMT से बुक किया था तो मुझे 1400 में पड़ा था एक दिन का, और मैंने टोटली 3 दिन के लिए बुक किया है। तो मेरा होटल काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और जिसके लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और मुझे स्कूटी लेने के लिए नीचे जाना पड़ रहा है अभी, और या तो आप रेंट करके ही आ सकते हो उधर से। तो अभी मुझे जैसा कि चलना पड़ रहा है, और यहाँ की रोड काफ़ी ढलान वाली हैं, तो एक तरीके से आपके स्कूटी का पेट्रोल का थोड़ा खर्चा भी बच सकता है उतरते समय। और मैं आपको रोड्स दिखाता हूँ यहाँ की कैसी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टर्निंग्स हैं, बहुत ढलान वाली रोड है यहाँ पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा टर्निंग्स मैंने अभी तक नहीं देखी है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी देखने को मिलेगी। वो हमारा होटल एकदम ऊपर, हम लोग वहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं अभी और जा रहे हैं अभी फिलहाल बाइक लेने। तो गाइस, ये वो कुत्ता है जो कल रात को मेरे को भौंक रहा था। हम लोग पार्टी से वापस आ रहे थे। क्यों बे, अब बोल, भौंक रहा था यार मेरे को। तू क्यों भौंक रहा था भाई, एटीट्यूड देख रहा। आजा, कोई नहीं। क्लाउड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से पहाड़ियां नहीं दिख रही है। ये हम लोग को ना गाइड कर रहा है आगे। हाय सनी, हाय। वो मेरा दोस्त बैठा है ऊपर। अच्छा, हम सबका सपना होता है, जितने भी लड़के यहाँ घूमने आते हैं, भाई मेरा तो है जिसमें मैं शेयर कर रहा हूँ, कि पहाड़ों पे एक छोटा सा घर हो पहाड़ी के ऊपर और सबसे दूर रहने का मौका मिले। और बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, पहाड़ी सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं और नेचर का मजा लेते हुए। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। रोड यहाँ की बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ज़्यादा पतली, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो यार, अभी मुझे फाइनली युक्सुम टूर्स एंड ट्रक्स से एक बाइक मिली है एक्सपल्स, और अंदर चल के बात कर लेते हैं ओनर से। और हमारे साथ दी अवेलेबल है यहाँ पे, तो दी ज़रा एक बार बता दीजिए, लोकेशन बता दीजिए शॉप का कहाँ पे। रेट्स काफी रिजनेबल हैं, आप आराम से ले सकते हैं। हमने 2 दिन के लिए हायर किया है और रेट्स काफी रिजनेबल, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाइए हनुमान टॉप, ठीक है, देन उसी रास्ते से आप वापस आइए गणेश टॉप सेकंड पॉइंट, उसी रास्ते पे आगे आके आएगा ऑर्गेनिक पॉइंट, वो भी एक पॉइंट है। फिर उसके सामने फिर फोर्थ पॉइंट आ जाएगा आपका टशी व्यू पॉइंट। अगर अच्छा, ये होटल के ऊपर से ही पड़ेगा ना, होटल के ऊपर से। ओके। अगर आपको गणेश टॉप के सामने ही आपको जू में जाना है तो जा सकते हो। अच्छा, हिमालयन, हाँ, अगर जा सकते हो तो जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद काशी व्यू पॉइंट, देन आपका आ जाएगा बागथांग। तो गाइस, अभी हमने एक्सपल्स ले लिया है और हम सबसे पहले जा रहे हैं हनुमान टॉप, गणेश टॉप। यहाँ पे कुछ मेरे भाई लोग हैं, तो उधर से काफी जगह आसपास हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। ये वन वे है तो यहाँ पे बहुत आराम से चलाना पड़ेगा, समझ गया ना भाई। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी, और सफर में आप आगे आपको भी साथ में लेके चलेंगे।
तो ये पीछे रहा हमारा होटल। अभी हम लोग नीचे से बाइक लेके आए हैं और जैसा कि मैंने कहा था रोड बहुत पतली है, देखिए ट्रक आ रहा है तो कार को पीछे होना पड़ा। आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ राइड करनी है यहाँ पे। और हनुमान टोक का रास्ता मॉल रोड नीचे 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर ऊपर हमारा होटल था जो सामने पीछे आप देख पा रहे होंगे ग्रिफिन्स नेस्ट। और इसी के सामने से होटल के आगे से ही जो रास्ता जाता है वो हनुमान टोक, गणेश टोक इन सब के लिए जाता है और रोमटेक मॉन्स्ट्री। जैसा कि मैंने कहा था ये एक मॉन्स्ट्री वाला शहर है जो कि बहुत खूबसूरत है, सब आपको दिखाने वाला हूँ, बस वीडियो में साथ बने रहिएगा। गाइस मैं जा रहा हूँ सबसे पहले ताशी व्यू पॉइंट और जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर है मेरे होटल से। और वापसी में मैं वो दिखे चला पे पहाड़ पे गाड़ी चला रहा है, इतना तेज चला रहा है। तो मैं जा रहा हूँ ताशी व्यू पॉइंट और मेरे हाथ एकदम गल रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर बाद निकालूंगा। और जगह जगह आपको ऐसे झंडे मिलेंगे जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। और अगर आप ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो आप बाइक ही हायर कीजिए। लौंडेला पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ, ऐसे फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको कार ही लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं आप तो ताशी व्यू पॉइंट जाते समय आपको बहुत सारे ऐसे मैगी और मोमोज के स्टॉल मिलेंगे। भाई को मैंने बोला है मैगी बनाने को और तब तक मैं मोमोज खा रहा हूँ। और भाई कैसा है खाने में? बढ़िया है, तो मैं खा के देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्लांट कंजर्वेटरी के सामने राजू भाई की शॉप है छोटी सी और ये बहुत प्यारे हैं यार। अभी इन्होंने हमें मोमोज खिलाए और ये हमको अभी पहाड़ों वाली मैगी खिला रहे हैं, है ना राजू भाई? So, ये रही पहाड़ों वाली मैगी। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ ताशी व्यू पॉइंट और यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स भी हैं। और फॉग ज़्यादा होने की वजह से व्यू बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, बट जितना मैं देख पा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और कुछ झलकियाँ यहाँ पे लोग यहाँ की जो लोकल ड्रेसेस होती है वहाँ पे फोटो खिंचा रहे होंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे सब पिक्स क्लिक करा रहे हैं। और मैं आपको जितना हो सकता है उतना दिखाने वाला हूँ क्योंकि फॉग कुछ ज़्यादा ही है आज। सो कुछ ऐसा दिखता है, आई नो ज़्यादा नहीं दिख पा रहा होगा बट फॉग बहुत ज़्यादा है इसीलिए नहीं दिख पा रहे होंगे आप। आप वहाँ ऊपर जाके भी शूट कर सकते हैं बट उसके लिए 10 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। बाकी ताशी व्यू पॉइंट पे एंट्री बिल्कुल फ्री है बट अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको 10 रुपये का टिकट लेना ही पड़ेगा। और
सो फाइनली मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। वेल नीचे से तो ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। आज फॉग बहुत ज़्यादा है। तो गाइस ये था ताशु व्यू पॉइंट और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी वीडियोस आपके लिए जल्दी जल्दी ला सकूँ जो कि जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और थैंक यू।